दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय डीएवी पब्लिक स्कूल नगरोटा सूर्या। हिमाचल पथ परिवहन निगम की एक बस रविवार को चंडीगढ़ में फंसे कांगड़ा वासियों को लेकर जवाली पहुंची। कहरिया चौक पर तैनात पुलिस ने बस को रोका व उसके परिचालक से इसके बारे में पूछा। बस चालक के अनुसार बस में 24 लोगों को चंडीगढ़ से सरकार के निर्देशों के अनुसार लाया गया, जिसमें से कुछ रास्ते में अपने घरों के पास उतर गए जबकि 8 लोगों को कहरिया में उतारा गया। कहरिया से चंडीगढ़ आए लोगों ने टैक्सियां हायर कर अपने घरों की तरफ कूच किया। वहीं विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष सुरेश गुलेरिया ने इसे जयराम सरकार की सराहनीय पहल करार दिया। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए जवाली से सुनील दत्त की रिपोर्ट। नमस्कार जी, मैं पूर्व प्रधान ग्राम पंचायत ज्वाली, वर्तमान पार्षद नगर पंचायत ज्वाली, मैं सभी ज्वाली वासियों से, सभी कांगड़ा वासियों से, हिमाचल वासियों से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूँ कि ये जो महामारी कोरोना नाम की फैली हुई है, इससे अपने आप को बचा के रखिए, अपने बच्चों को बचा के रखिए। बचाने का एक ही तरीका है कि आप सब लोग अपने अपने घर में सुरक्षित रहिए, अपने बच्चों को सुरक्षित रखिए। आपने बड़ा ज़रूरी कोई काम है, घर से बाहर जाना, आप बोल तो घर से बाहर जाइए मत। अगर बहुत ज़रूरी काम है, कोई मेडिसिन लेके आनी है, कोई दवाई या कोई करियाने का सामान लेके आना है, तो आप लोग मास्क का प्रबंध करें, मास्क जरूर बांधे। मास्क बांध के बाहर जाना है, अपितु घर से बाहर नहीं जाना है। मेरा सभी से ये विनम्र निवेदन है कि आप लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। जय हिमाचल, जय भारत। मेंबर वार्ड नंबर 1 नगर पंचायत ज्वाली, जैसे कि आप सभी को पता है कि कोविड-19 कोरोना वायरस जो हर जगह फैला हुआ है और हर कोई इसकी चपेट में आ रहा है, इससे हम कैसे बच सकते हैं? सबसे पहले है सोशल डिस्टेंसिंग। हमें सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखनी है, घर पे रहना है, सेफ रहना है, बिना किसी काम के घर से बाहर नहीं निकलना है। और जो अनदर कंट्री से, सॉरी स्टेट और डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं, मैं उन लोगों से अपील करना चाहती हूँ कि अगर आपने अपना नाम नगर पंचायत ज्वाली में या इसकी सूचना अपने वार्ड मेंबर या प्रशासन को दें, ताकि वो इसका अच्छे से रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन कर सके। और 28 डेज आप लोगों ने घरों के अंदर रहना है, बिना किसी मतलब के घर से बाहर नहीं निकलना है। अगर इस दौरान आप में से कोई भी व्यक्ति घर से बाहर निकलता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है या FIR लॉन्च की जा सकती है। अब मैं लोगों से यही अपील करना चाहती हूँ कि घर पे रहिए, अपने मुंह को मास्क लगा के घर से बाहर निकलना है, अपने हाथों को 20 सेकंड के लिए सोप से जो है वो धोते रहना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। डीएवी पब्लिक स्कूल नगरोटा सूर्या जिले के अग्रणी स्कूलों में से एक है। यह विद्यालय शिक्षा के साथ साथ खेल गतिविधियों में भी आगे है। विद्यालय के हर वर्ष के परिणाम सराहनीय हैं और खेल क्षेत्र में भी राष्ट्र विजेता है। विद्यालय की अपनी 8 बसें हैं। स्कूल के सभी शिक्षक मेहनती, निपुण एवं अनुभवी हैं। प्रधानाचार्य श्रीमती एकता अत्री भी विद्यार्थियों का मानसिक, भौतिक एवं शारीरिक विकास करने के लिए अग्रसर है। डीएवी नगरोटा सूर्या एक ऐसा शिक्षण संस्थान है जो कि विद्यार्थियों के लिए मानसिक और शारीरिक योग्यताएं भरने के लिए तत्पर है। स्कूल के सभी अध्यापक लॉकडाउन के समय पर भी पढ़ाई के साथ साथ अन्य गतिविधियों के ऊपर वो बच्चों को शिक्षाएं दे रहे हैं और विद्यार्थियों को ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। 9 बजे से लेकर के 3 बजे तक सभी अध्यापकगण अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अब जनहित के लिए यह संदेश। आपकी जानकारी ही कोरोना वायरस का बचाव है। कोविड-19 वायरस से संक्रमित देशों से आने वाले यात्रियों एवं उनके संपर्क में आने वालों को कोरोना वायरस की संभावना हो सकती है। यदि आपने, आपके परिवार या पड़ोस में किसी भी व्यक्ति ने कोविड-19 वायरस से संक्रमित देशों में यात्रा की हो, तो 14 दिन तक घर से बाहर न निकलें और तुरंत टोल फ्री नंबर 104 पर सूचित करें। कोरोना वायरस के लक्षण खांसी, बुखार और सांस लेने में तकलीफ है, घबराएं नहीं, बस कुछ बातों का ध्यान रखें। नियमित रूप से साबुन और पानी या अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर से हाथ साफ करें। खांसते या छींकते समय नाक और मुंह कोहनी से ढकें अथवा रुमाल और टिश्यू से ढकें। जिस व्यक्ति में खांसी, जुखाम या बुखार के लक्षण हो, उसे दूरी बनाएं और भीड़ भाड़ वाले स्थानों में जाने से बचें। मांस और अंडे को अच्छी तरह से पकाकर खाएं, खुले में न थूकें। लक्षण पाए जाने पर लापरवाही न बरतें और किसी भी जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 104 पर कॉल करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है।